अपर्णा यादव को बीजेपी ने फिर से झटका दिया है। पहले टिकट और अब स्टार प्रचारक की सूची से भी अपर्णा यादव का नाम गायब हो चुका है, जिसके बाद अब बीजेपी ने चुनाव में 40 नेताओं की बड़ी फौज को उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को हो चुका है। उनके निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली थी, जिसके बाद अब वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस दौरान सपा से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी से टिकट मिलने की काफी उम्मीद थी, लेकिन आखिर में बीजेपी ने गूगली खेलकर रघुराज शाक्या को अपना उम्मीदवार बना दिया। यही नहीं, बीजेपी ने टिकट के अलावा भी अपर्णा यादव को एक और झटका दिया है। दरअसल सपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा, तो इसके बाद कयास लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट देकर यादव घराने में लड़ाई करा सकती है। इस दौरान अपर्णा यादव की लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा को मैनपुरी में बीजेपी स्टार प्रचारक बना सकती है। बता रहे कि मैनपुरी में सपा ने अपने गढ़ को बचाने के लिए शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाकर सबको चौंका दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने 40 नेताओं वाली फौज मैदान में उतार दी है। अब दोनों पार्टियों के लिए मैनपुरी की लड़ाई टशन की लड़ाई बन चुकी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर, और पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।